नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र 2013 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर मतदान का काम आज पूरा हो गया। मतदान को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह दिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दौर में पार्टियों ने क्या तैयारियां की हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में छिटपुट हिंसा के बीच रिकॉर्ड मतदान, 74% से ज्यादा वोटिंग से उत्साहित कांग्रेस और बीजेपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डालने के बाद किया फिर जीत का दावा, बीजेपी ने कहा जनता नहीं देगी कांग्रेस को मौका। दिल्ली में आखिरी दौर में चुनाव प्रचार, शीला दीक्षित ने कहा दिल्ली के भविष्य के लिए करें वोटिंग, नरेंद्र मोदी ने कहा नेता नहीं जनता लड़ रही है चुनाव। और जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में लगाया पूरा जोर, नीतीश कुमार ने की रैली, अरविंद केजरीवाल का रोड शो। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम आज पूरा हो गया। लोग सुबह से ही कतार में लगकर वोट डालने का इंतजार करते दिखाई दिए। चुनाव आयोग की शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां रंग लाईं। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में विधानसभा की 199 सीटों के लिए आज रिकॉर्ड 74.38% मतदान हुआ। आयोग का कहना है कि मतदान प्रतिशत में अभी और इजाफा हो सकता है। आज के मतदान में मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया है और जो मतदान प्रतिशत हमारे सामने आ रहा है वो राजस्थान के इतिहास में अभूतपूर्व है। अब तक की सूचना के अनुसार 74.38% का मतदान हुआ है। चूंकि कुछ स्थानों से अंतिम परिणाम आने बाकी हैं मतदान प्रतिशत के, इसलिए ये संख्या और ऊपर जा सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के महामंदिर इलाके में वोट डाला। मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने राज्य में कांग्रेस की एकतरफा जीत का दावा किया। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने झालावाड़ के तोपखाना स्कूल के पोलिंग बूथ पर मत डाला। उनके बेटे दुष्यंत सिंह ने भी यही मतदान किया। वसुंधरा राजे ने राज्य में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता कांग्रेस को मौका नहीं देंगी। प्रदेश का माहौल बहुत शानदार है और मैंने पहले भी कहा कि भारी बहुमत से कांग्रेस विजय होगी और जो माहौल आप देख रहे हो यहाँ पर भी वही माहौल ऐसा ही है। पूरे प्रदेश में आप कैसे माहौल देखेगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई टक्कर नहीं, अंडरकरंट चल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा जीत है, अच्छा माहौल है और 8 तारीख आपको मालूम पड़ेगा। लोगों का मूड अच्छा है, सब लोग चाह रहे हैं, बहुत दिन से चाह रहे हैं कि उनको ये मौका मिले कि वो जितने जल्दी कांग्रेस को हटा सकें। ये मौका आप सबको मिला है, यू कैन सी अब माहौल है और सब लोग अपना वोट डालेंगे। उनका वोट है विकास का वोट और ये आपको देखने को मिलेगा आज। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में वोट डाला। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं। वे पिछले कई विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने इस बार मतदान फीसदी में इजाफा होने की उम्मीद जताई और इसके लिए चुनाव आयोग और मीडिया की भूमिका की सराहना की। अब की बार चुनाव आयोग ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया है निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। जनता भी जागरूक हुई है और जनता को जागरूक करने के लिए मीडिया ने भी पूरा सहयोग दिया है। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं और लोगों में वोटिंग के लिए खासा उत्साह दिखाई दिया। चुरू सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां वोटिंग 13 दिसंबर को होनी है। ये तस्वीरें हैं राजस्थान विधानसभा के लिए हुए मतदान की। सुबह 8 बजे राज्य के 47,223 पोलिंग बूथों पर वोटिंग शुरू हुई। सवेरे से ही वोटरों के मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ साथ मतदाताओं का जोश भी बढ़ता गया। शाम होते होते राज्य में भारी मतदान की खबरें आने लगी। शाम 3 बजे तक ही राज्य के 4 करोड़ मतदाताओं में से तकरीबन 53% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। आज की तारीख में इतना उत्साह है कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि 5 साल में एक ही बार ये समय आता है जो आदमी को उत्साह से वोट देना पड़ता है।
प्रशासन ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चुनाव आयोग ने यहां सुरक्षा बलों की 500 कंपनियां तैनात की थीं। किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 1,19,000 जवान तैनात किए गए थे। अलवर और दौसा जिलों में मतदान के दौरान बाधा पहुंचा रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मतदान शांतिपूर्ण रहा है, छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके। प्राप्त सूचना के अनुसार दौसा जिला के विधानसभा क्षेत्र महुआ के मतदान केंद्र 184 पर वहां प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों द्वारा हवाई फायर किया गया। प्रदेश में महिला और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। बड़ी तादाद में युवा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। युवाओं में भी बहुत जोश है इस बार, औरतों में भी बहुत जोश है। वो सुबह मॉर्निंग में ही निकल गई है कि हम सबसे पहले जाके जो भारत में जो लोकतंत्र के हिसाब से जो अच्छा वर्क है, वोट देना अपना अधिकार, उसका यूज करें। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि मैं पहली बार वोट कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं भी अब वोट कर सकती हूँ, और जो यूथ जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में, मैं भी अब ठीक है खुद का वोट देके उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। राज्य में एक ही दौर में मतदान कराया गया है। 199 सीटों पर उतरे 2087 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है। प्रदेश में वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। कैमरामैन डीके पांडे के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, जयपुर। और राजस्थान चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया। विशाल, सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ता जा रहा है, अगर हम पिछले राज्यों की भी बात करें वहां भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा था, क्या समझा जाए इसे कि मतदाता बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं? क्या अब वो वोटों की जो अहमियत है उसे समझने लगे हैं, या फिर वो एक लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, दोनों ही चीजें हैं। अहमियत लगता है कि जो मतदाता हैं उनको समझ में आ रही है धीरे धीरे, और निश्चित रूप से जो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है इसका हिस्सा वो जरूर बनना चाहते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो चुनाव से एक महीने पहले का जो समय रहता है उसमें जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, राजस्थान में हमने देखा, इससे पहले छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का वाकया देखने को मिला। राजस्थान में बहुत जोर शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव आयोग की तरफ से चलाया गया था, और अलग अलग जो टारगेट सेगमेंट हैं यानी कि युवाओं के लिए अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चुनाव आयोग ने बनाए थे, महिलाओं के लिए अलग तरीके के बनाए थे, और जो पहली बार अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए निकल रहे थे मतदाता, जिनकी संख्या इस चुनाव में 16.5 लाख के लगभग थी, उनके लिए अलग कैंपेन चलाया गया था। तो वो जो अवेयरनेस कैंपेन जो चलाया गया, शायद उसके नतीजे ये देखने को मिल रहे हैं कि राजस्थान में रिकॉर्ड मतदान अब की बार हुआ। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर चुनाव आयोग की तैयारियों की तारीफ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो चुनाव आयोग की तैयारी है उसको लेकर जो अति संवेदनशील इलाके थे वहां पर भी लोग घरों से बाहर निकले हैं, निश्चित रूप से ये तारीफ काबिल तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, तारीफ़ काबिल तैयारियां जरूर थी, क्योंकि अगर सुरक्षा के लिहाज से देखें तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सुरक्षा इस चुनाव में देखने को मिली राजस्थान में। हालांकि ज्यादातर राजस्थान का जो ज्यादातर इलाका है उसे बहुत पीसफुल माना जाता है, बहुत पीसफुल मतदान यहां होता रहा है। पिछले कई चुनाव में हमने देखा ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना राजस्थान में देखने को नहीं मिली, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने कोई कसर नहीं रख छोड़ी। 1,19,000 जवान तैनात थे, और जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जो घोषित किए गए थे 10,000 के लगभग, वो उनमें से ज्यादातर जो है पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वहां पर मौजूद थे। उनकी सुरक्षा, उनमें से ज्यादातर की सुरक्षा जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज की 509 कंपनियां थी, उनको सौंपी गई। कुछ ऐसे वाकये जरूर हुए जैसे कि दौसा में एक जगह हवाई फायरिंग हुई महुआ विधानसभा क्षेत्र में, उसके अलावा एक दो जगह और सुरक्षा कर्मियों को थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ा, थोड़ी कार्रवाई करनी पड़ी ताकि सुचारू रूप से मतदान चलता रहे, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में मतदान का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, और लोगों ने अपनी भागीदारी जो है बढ़ चढ़ कर दिखाई है। जयपुर में मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने जयपुर के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। पहली बार वोट डाल रहे लोगों भी खास से उत्साहित दिखाई दिए।
एक महीने तक चले सघन चुनाव प्रचार के बाद अब आखिरकार राजस्थान में मतदान का दिन आ गया है। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में लोग निकलकर बाहर आए हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे लंबी कतारें हैं महिलाओं की, पुरुषों की, अलग अलग वार्ड और अलग अलग बूथ के जो यहां पर लाइनें लगी हुई हैं उनमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बड़ी भारी संख्या में लोग बाहर निकल कर आए मतदान करने के लिए। पिछली बार यानी कि 2008 में जो मतदान का प्रतिशत रहा था राजस्थान में वो 66.25% रहा था। उससे पहले यानी कि 2003 में 67% मतदान राजस्थान में हुआ था। अब की बार उम्मीद की जा रही है कि शायद मतदान पिछली बार से ज्यादा हो, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही जिसे कहा जाए अच्छा और बहुत ही सघन प्रचार चुनाव आयोग की तरफ से भी किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव आयोग ने चलाया था। 16,51,000 नए मतदाता अब की बार हैं, यानी कि युवा 16,51,000 वो लोग हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। कुल युवा मतदाताओं की संख्या लगभग 72 लाख के आसपास है, तो यानी कि युवाओं की काफी अहम भूमिका रहेगी। कुछ पहली बार वोट डालने वाले मतदाता मुझे दिखाई दे रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या आप पहली बार वोट डाल रही हैं? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं भी अब वोट कर सकती हूँ, और जो यूथ जो कंट्रीब्यूट करता है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में, मैं भी अब ठीक है खुद का वोट देके उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ। आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे। कैसी सरकार चाहिए आपको? अपनी ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म के जो ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यूथ एक गवर्नमेंट फॉर्म करे जिससे जो अपनी जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है अपना वो अच्छी तरह वो उसको रख सके, और ना जो गरीबों के लिए सबके लिए बहुत मतलब अच्छे से फॉर्म कर सके। तो कैसा लग रहा है पहली बार वोट डाल? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक्चुअली एक्साइटेड फील कर रही हूँ कि मैं पहली बार वोट कर रही हूँ। तो ये देखा आपने, साफ तौर पर उत्साह है नए मतदाताओं में। उनके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी एक कहा जाए कि एक एजेंडा है जिसके तहत वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन चीज यहाँ पर ये है कि जो नया मतदाता है वो जागरूक है, ये जो उसके मत का जो अधिकार है और उसकी जो ताकत है उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 45,000 से ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है राजस्थान में, उनमें से 10,000 चुनाव आयोग क्रिटिकल घोषित किए हैं, लेकिन जो क्रिटिकल घोषित किए गए हैं उन पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के हैं। 1.19 लाख जो सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त तैनात है पूरे राजस्थान में, जिनमें से कि 509 कंपनियां सीपीएमएफ की हैं, यानी कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सुरक्षा कर्मी है वो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं कुछ इलाकों में, पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में, वहां पर सुरक्षा सीधे तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनके हाथ में दी गई है। इसके अलावा 700 के लगभग जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं उनमें जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि सीधे तौर पर जयपुर में जो हेडक्वार्टर है चुनाव आयोग का, वहां से सीधे तौर पर मॉनिटरिंग की जा सके कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है और फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रही है। कैमरा पर्सन डी के पांडे के साथ विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, जयपुर। उदयपुर में भी मतदान को लेकर लोगों में खासा जोश दिखा। मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लाइनें देखने को मिली। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने उदयपुर के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। हम हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में और यहां पर मतदान जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग कतारों में लगे हुए हैं अपना वोट डालने के लिए। जी, कौन सा मुद्दा आप अपने जहन में रखेंगे जब आप अपना वोट डालने जाएंगे? एक तो महिला के सुरक्षा पर और एक महंगाई पे। जी, तो महिलाओं का सुरक्षा एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है। आपसे जानेंगे कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? बस यही सोच के वोट देंगे कि हम जो अपना वोट दे रहे हैं ये बहुत अच्छी सरकार बने और बहुत ही अच्छे मतलब नेता आए यहाँ पर, जो गरीबों के लिए उद्धार करे और गरीबों के लिए सभी चीज की फैसिलिटी करे, बस यही चाहते हैं मैडम। जी, तो विकास हो, गरीबों का उत्थान हो। इस बार इलेक्शन कमीशन ने नोटा का भी विकल्प रखा है, जानते हैं लोगों से कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। जी, आप क्या सोचते हैं नोटा के बारे में? मैडम, उम्मीदवार हमारे हिसाब से, अगर हमें कोई उम्मीदवार समझ में नहीं आता है तो हम किसी पार्टी को वोट देने की वो नहीं करेंगे। जी, तो एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है। यहाँ पर युवा भी हमारे साथ, आपके क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचेंगे जब आप अपना वोट डालने जाएंगे? युवा में ये मैडम के बच्चों के युवा के लिए रोजगार हो और पढ़ाई में इनके मिले स्कॉलरशिप वगैरह और इनकी ज्यादा ज्यादा जॉब के लिए, नौकरी वगैरह के लिए। जी, तो रोजगार के अवसर हो, स्कॉलरशिप हो, ये सारे इनके मुद्दे हैं। यहाँ पर लोगों में उत्साह बरकरार है और उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अच्छा होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी के लिए।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता कृति मिश्रा उदयपुर से। कृति, जिस तरीके से आपने बातचीत की, युवाओं से बात की, उनके अलग अलग मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो वोट डालने के लिए आज मतदान बूथों तक पहुंचे थे, किस तरीके का उत्साह है, खासकर महिला मतदाताओं को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। जी ज्योति, इसका पूरा पूरा हम श्रेय इलेक्शन कमीशन को देना चाहेंगे, जिसने एक लंबी कवायद चलाई, लंबी मुहिम चलाई ताकि औरतों का, महिलाओं का रुझान बढ़े लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराने के लिए। और हमने देखा जब हम सुबह सुबह गए तो दिन बहुत से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारों पर महिला लगी थी। उनके अपने मुद्दे थे, सुरक्षा के मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, वो भी चाहती थी कि वो लोकतंत्र में आए, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी सरकार चुने। चलिए कृति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतदाता, चाहे वो युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सभी अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या पर बूथों तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी जारी रहेंगी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बुराड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। शीला दीक्षित ने कहा कि इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली का भविष्य चुनने के लिए है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल के कामकाज के आधार पर एक बार फिर से कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। 5 साल का जो भविष्य है, आपका भी, दिल्ली का भी, आपके बच्चों का भी, हम सबके भविष्य का भी, वो तय करेगा कि आने वाले 5 साल में क्या काम हो, कैसे काम हो। तो बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने पर महंगाई खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के नेता नहीं बल्कि खुद जनता चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में नजर आया है कि चुनाव न उम्मीदवार लड़ रहे हैं, न पार्टियां लड़ रही हैं, चुनाव जनता जनार्दन लड़ रही है। बीजेपी ने दिल्ली में आज कांग्रेस के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल मौजूद थे। लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के 10 दिन 10 इरादे कार्यक्रम की चर्चा की और कांग्रेस के विकास के वादों को झूठा बताया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही, लेकिन आडवाणी से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बिल एक बना था, लेकिन मैं अभी भी उस मामले में ये मानता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर में फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाना कितना डिजायरेबल है, कितना नहीं है, इस पर दो मत हो सकते हैं। इनको सरकार बनाने दीजिए तो फिर हम बैठ करके सोचेंगे। दिल्ली में पूर्वांचल के करीब 40 लाख वोटरों को लुभाने के लिए आज जनता दल यूनाइटेड ने प्रदेश में बड़ी रैली की। पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष साबिर अली ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर पूर्वांचलियों के साथ दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया कि दिल्ली के ये इलाके, रिहायशी इलाके, जहां बिहार से यूपी से अन्य इलाकों के गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, उन इलाकों की दुर्दशा बिहार के सुदूरवर्ती किसी गांव से भी बदतर, खराब स्थिति में। तो इस हालात को बदलना, इसलिए अब हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आम आदमी पार्टी ने 40 विधानसभा सीटों के लिए घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही पार्टी नेताओं के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन के बाद ICD के बाद का सर्वे भी दिखाया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बची हुई 41 सीटों के लिए घोषणा पत्र जारी किए। आम आदमी पार्टी 28 सीटों के लिए पहले ही घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। हमने आज पूरे 69 मैनिफेस्टोज रिलीज कर दिए हैं। 69 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजौरी गार्डन से हम कैंडिडेट विड्रॉ कर चुके हैं, तो वहाँ मैनिफेस्टो का मतलब नहीं बनता है, लेकिन 69 में हमने बना दिए हैं। चुनाव प्रचार के दौर से पहले ही आम आदमी पार्टी जनता का रुख जानने के लिए सर्वे करा चुकी है।
फरवरी से अब तक इस पार्टी ने 5 सर्वे करवाए हैं। नए सर्वे के मुताबिक आप 36 से ज्यादा सीटें आने का दावा कर रही है। हालांकि स्टिंग ऑपरेशन की सीडी आने के बाद आपने नुकसान होने की बात भी स्वीकार की है। इसमें कोई शक नहीं है कि सीडी प्रकरण से हमें नुकसान हुआ है, लेकिन जिसका मतलब ये है कि अगर ये न होता तो हमारी वोट का परसेंटेज यहाँ 36 नहीं होता, हम शायद 38-40% वोट को टच कर गए होते जिस तरह से बढ़ रहा था। दिल्ली में 4 दिसंबर मतदान की तारीख तय है और पहली बार चुनावों में उतरी आम आदमी पार्टी समेत सभी पार्टियां दावे और वादे तो कर रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को ही तय हो पाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में रोड शो किया। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता राजकमल ने उनके प्रचार अभियान का जायजा लिया। अरविंद केजरीवाल की रैली आज उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी न्यू दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, जहां उनका मुकाबला है सीधा शीला दीक्षित के साथ। अरविंद केजरीवाल की रैली देखकर लोगों के जहन से रामलीला मैदान की यादें ताजा हो जाती हैं। वही लोकपाल का नारा, भ्रष्टाचार को मिटाने का वादा और महंगाई से लोगों को निजात दिलाने का भरोसा। अपने वादों को फिल्मी गानों से समझाने का उनका नायाब तरीका बदला नहीं है। केजरीवाल के काफिले में आम आदमी पार्टी के समर्थकों का सैलाब था। इस मौके पर उन्होंने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में दिल्ली की तस्वीर बदलने का वादा किया। शीला जी को हराना है, सारी दिल्ली कह रही है, तो यहाँ पे अब आखिरी लग गए और 2 दिन बाद चुनाव है और जनता मन बना चुकी है। बटन दबाए। और क्रूशियल है क्योंकि जो बंटवारा होता है उसको रोकना भी आपका काम होता है, तो कितना क्रूशियल मानते हैं? बहुत क्रूशियल है, कहते हैं आखिरी रात कयामत की रात होती है, करेंगे देखते हैं। केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग दिल्ली पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इज एन इंस्पिरेशन टू द एंटायर नेशन। नारी शक्ति इनकलाब। मैम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल ही सही नायक है? हमें अपने दिल से कहते हैं कि यही जीतना चाहिए, हमें कांग्रेस से और बीजेपी से कुछ नहीं लेना, हमें अरविंद केजरीवाल ही लाने हैं। आम आदमी पार्टी प्रचार अभियान में तकनीक के इस्तेमाल में दूसरी पार्टियों से कोई कम नहीं है। इनके पास आधुनिक तकनीक से जुड़ा सारा साजो सामान मौजूद है। वी हैव अ टाइम लिमिट, सो वी हैव टू कंडक्ट द होल जर्नी इन द टाइम लिमिट। सो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द होल सरयूनगर इन 3 फेसेस, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस एंड थर्ड फेस। गांव के बहुत सारे लोग कांग्रेस को वोट करते आए, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से अपने पास एक ईमानदार पार्टी आई है जी, आम आदमी पार्टी। और आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, किसी से बात कर लो, चारों तरफ आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। अरविंद केजरीवाल ने अपना झाड़ू चला यात्रा में अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में आज आखिरी दिन चुनाव के प्रचार कर रहे हैं। आज एक दिन मौका है, कल पूरा चुनाव के प्रचार समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन जुनेद के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी के लिए दिल्ली से। चुनाव से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहे राज्यसभा टीवी और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।